नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं मनोज मिश्रा। जैसा कि होली आ रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं होली में कुछ अपने प्रिय शिष्यों को कर्ण पिशाचिनी साधना करवाऊंगा। कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत प्राचीन साधना है। कर्ण पिशाचिनी साधना में मान्यता है, अगर ये सिद्धि किसी को मिल जाती है तो वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान की सटीक बातें बता देता है। कर्ण पिशाचिनी साधना कलयुग में स्वतः सिद्ध है। बस केवल एक अच्छे विद्वान गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र को जप लिया जाए, यह मंत्र जागृत हो जाता है। मंत्र जागृत तो हो जाता है, लेकिन सामान्य साधक हैं जो कभी साधना के विषय में जानते नहीं, साधना के गुण तथ्य को पता नहीं, उनको सिद्धि के बावजूद भी शक्ति से कैसे वार्तालाप स्थापित की जाती है इस विषय में कुछ भी तनिक भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं 11 लोगों को कर्ण पिशाचिनी की मंत्र दीक्षा दूंगा और उसका जो शुल्क है वो 5100 रुपये लूँगा। अगर आप भी कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई देगा, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा, वहां से भी मेरे नंबर पर कॉल करके आप मुझसे कर्ण पिशाचिनी की मंत्र दीक्षा लेकर के अपने घर पर मेरे सानिध्य में, मेरे मार्गदर्शन में यह अनुष्ठान कर सकते हैं। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की जो साधना विधान है वह होली, दीपावली और ग्रहण काल में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसलिए होली आ रहा है, इस अवसर को आप गंवाए मत। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए कम से कम आपको 7 दिन का समय देना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा और समय दे सकते हैं तो आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी के बहुत सारे मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं और पौराणिक मंत्र हैं, सावर मंत्र हैं, लेकिन मेरे पास जो मंत्र है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तांत्रिक पद्धति का मंत्र है। मैं 7 दिन में ही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करवा सकता हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। फिर भी आप 7 दिन बैठने में समर्थ नहीं हैं, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो आप लंबा समय ले लीजिए, 15 दिन का समय ले लीजिए। 15 दिन में कर्ण पिशाचिनी की पूर्णतः सिद्धि आपको मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। कर्ण पिशाचिनी अगर आपको सिद्ध हो जाती है तो आपके कानों के ऊपर बैठ करके किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान की सटीक बातें आपको बताएगी। कर्ण पिशाचिनी में जो साधना सामग्री लगेगी वह इस प्रकार है, लाल वस्त्र, लाल आसन, दिशा उत्तर या पूर्व होगी। साधना काल का जो समय रहेगा वह रात्रि काल का 9 से 12 के बीच का रहेगा, 9 से 12 के बीच में ही आपको साधना करना है, इसी के बीच का समय रहेगा। दिशा उत्तर या पूर्व रहेगी। माला के विषय में कहा गया है स्फटिक माला या रुद्राक्ष की माला, आपके पास हो रुद्राक्ष की माला हो तो अत्युत्तम है, स्फटिक की माला हो तो भी अत्युत्तम है, लेकिन दोनों मालाओं में एक सावधानी आपको रखना पड़ेगा, माला जपा हुआ ना हो, यानी प्रायोगिक माला ना हो, उस पर किसी अन्य देवी देवताओं का मंत्र ना जपा गया हो। और यह साधना कहीं से भी मंत्र उठाकर अगर आप जपेंगे तो सिद्ध नहीं होगा, किसी अच्छे विद्वान के गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना की सिद्धि प्राप्त होती है। इस साधना को करने के बाद एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है और वह आपसे वार्तालाप स्थापित करती है कानों के माध्यम से। कान मतलब होता है कान, पिशाचिनी मतलब कोई ऐसी आत्मा शक्ति जो आपसे बात करती है। तो अगर आपको भी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करा दूंगा और 5100 रुपये कर्ण पिशाचिनी दीक्षा विधान का मैं